पाजी, अभी हाल ही में चाइना के प्रीमियर इंडिया आए थे, ये जान के बड़ी खुशी हुई कि चाइना और इंडिया में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अलावा और भी कई सारी समानताएं हैं। जैसे हम दोनों देशों के लोग जो है वो सरकार को बड़ा याद करते हैं। हाँ। चाइना में अगर कोई गलती कर दे तो डर के मारे सरकार को याद करता है, और हमारे देश में किससे कोई भी गलती हो वो हमेशा सरकार को दोष देता है। हर आदमी सरकार को दोष देना चाहता है। अभी थोड़े दिन पहले एक बिल्डिंग में तेंदुआ घुसाया, वहां पे भी सरकार को दोष दे रहे हैं। आप खुद बताओ मेरे को, समझदार लोगों, आप सरकार तेंदुए को रोक सकती है कि भाई तू गांव गांव रहा कर, जंगल जंगल रहा कर, शहर ना आया कर? तेंदुआ किसी की सुनता है? और तेंदुआ आपकी बिल्डिंग में थोड़ी ना आया, आपने तेंदुए की जगह पे बिल्डिंग बनाई, तेंदुआ तो आएगा ही अपना हिस्सा लेने। मजे की बात यह कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कई बुजुर्ग आप देखिए, भाई ऐसे है आबादी तो बढ़ रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही। बंदा पूछे इनको कौन समझाए कि ये सरकार के ना कुछ करने से आबादी नहीं बढ़ रही, आपके बहुत ज्यादा कुछ करने से आबादी बढ़ रही है, इनको कौन समझाए? अच्छा, हम लोग सिर्फ अपनी गलतियों के लिए गवर्नमेंट को नहीं दोष देते, हम लोग भगवान को भी घेर लेते हैं। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे भगवान को रिश्वत देते हैं। ये जो अपना कीबोर्ड वाला ना राहुल, ये एक बार किसी लड़की को प्रपोज करने गया, भगवान को जाके बोल रहा है भगवान ऐसा है प्रपोज करने जा रहा हूँ, बात संभाल लेना, 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये गया, लड़की ने वो ही किया जो पहली 15 लड़कियों ने किया था, इसके कान के नीचे पटाखा रखा है, सीधा वापस मंदिर आया, भगवान से कंप्लेंट कर रहा है, भगवान मेरी बात सुनो, 5.25 रुपए कम लग रहे थे मेरे को, बोल देते मैं 11 कर देता, ऐसे 20 बाजार में बेचती करवाने की आज उड़ती। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे बेशर्म होते हैं भगवान से चीटिंग कर देते हैं, ये जो अपना पीछे ड्रम वाला है ना, ये बेसिकली ये पार्ट टाइम जॉब है, एक क्लर्क भी है बेसिकली। इसने नौकरी के लिए मन्नत मांगी, कहता भगवान अगर मेरी नौकरी लग गई तो मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, जब नौकरी लगी तो 1/2 किलो लड्डू लग गया। मैंने कहा तूने तो 2 किलो लड्डू बोले थे, कहता भाई नौकरी तो मैनेजर की बोली थी, क्लर्क लगाऊं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट से कंप्लेंट होती है कि मैं ये करना चाहता था ये नहीं हो पाया, भगवान ने नहीं किया या गवर्नमेंट, ऐसा कोई मेरा भाई बंधु कोई अपनी ऐसी बात हमारे साथ शेयर करना चाहता हो तो वो खुल गए। हाँ जी, हेलो कपिल जी, मेरी शिकायत भी भगवान जी से ही है। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने ना मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, मतलब मुझे कुछ भी चीज चाहिए तो मुझे हर टाइम वेट ही करवाते रहते हैं। कैसे मतलब? मैंने स्कूटी कब से मांगी हुई, अभी तक नहीं दिलाई है उन्होंने। भगवान खुद थोड़ी ना आएगा आपको लेके जाने की, आइए लेट्स गो टू दुआबा ऑटोमोबाइल, मैं आपको स्कूटी लेके देता हूँ। देखिए पता है क्या होता है, भगवान के पास काफी सारा एरिया, जैसे यूएसए से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बीच में जितनी कंट्रीज आती हैं। आपका क्या नाम है? जिग्ना। जिग्ना, तो जिग्ना उनको उधर भी देखना, रॉबर्ट फर्नांडिस जो यूएस में रहते हैं, फिर यू नो हर जगह देखना, तो उनको शायद याद ना रहा हो जिग्ना का प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन क्या होता है ना, अभी इतनी छोटी चीज के लिए इतना वेट करना पड़ रहा है, अभी मेरे को डर लग रहा है कि अभी शादी के लिए ज्यादा वेट ना करवाए मैं इसे। शादी? ओके, कोई है हमारे दोस्त अगर कोई शादी करना चाहे यहाँ पे अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, कौन? अच्छा, आप तो आपको शादी करनी है। ये जो आप ऐसे ऐसे कर रहे थे इसका क्या मतलब था? नहीं, मैं ऑडियंस को बोल रहा था कि मेरी तरफ से सपोर्ट करो कि मेरी शादी हो जाए। मैं को नहीं करनी इससे शादी। आपको भी बोलूंगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो आपने शादी करनी है? या नाश्ता किया? यस, पेट भर के किया। तो मैंने अभी एक चीज नोटिस की है, जिग्ना पीछे खड़ी होकर बात कर रही थी, आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं, आपने सीधे हाथ खड़ा कर दिया, इतने भरे पड़े हैं आप। एक्चुअली प्यार अंधा होता है, इस वजह से मैंने पीछे नहीं देखा। जिग्ना, आपको ये लड़का पसंद है? नहीं पसंद। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर जिग्ना को नहीं पसंद है, और कोई मेरा दोस्त, देखिए आज और कुछ हो ना हो, जिग्ना की शादी तो होगी आज। जी, और कोई हमारे दोस्त? आप। क्या नाम है ब्रदर आपका? लवकुश। लवकुश। तो लवकुश आप क्या कुछ करते हैं? किस तरह लव करते हैं? सर मैं एक्टिंग करता हूँ। एक्टिंग करते हैं? लड़का एक्टर है। अभी अभी कुछ नहीं है वो। कुछ एक्टिंग करके दिखाएंगे आप जिग्ना को? सर डायलॉग बोलूं?
हैं? जो भी आपका दिल करता है, एक्टर आप हैं। सर नाम क्या है मैम? शादी करने आ गए, नाम नहीं बताया, इतनी देर से बातें कर रहा हूँ मैं। हर नेम इज जिग्ना। जानवी। जानवी नहीं यार, जिग्ना। जिग्ना, तुम्हारी चाहत तुम्हारी सपनों की हिफाजत की है, तुम्हारे वास्ते अपनों से बगावत की है, दिल तो दिल मेरी रूह ने भीतर से मोहब्बत की है। आपको सुना ना क्या बोला? मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। मेरे को लगा आपने ना धमकी दी है, जिग्ना अगर ना किया काट खाऊंगा। इतने सीरियस क्यों? क्या हुआ, साइकिल चोरी हो गया? किस चीज का गम है आपको? आपको क्या लगता है जिग्ना आपसे शादी करेगी? आप में ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है? सर मेरे में खास बात है, मैं खुश रख सकता हूँ उनके लिए। खुद तो आपके एक्सप्रेशन दुखी वाले हैं। तो उनको कैसे खुश रखेंगे? और मैं खुश कैसे, गुदगुद करेंगे उनके? नहीं सर, जैसे मतलब एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं ऐसा। अभी वैसे एक्टिंग आप करते हैं कहाँ पे करते हैं, घर पे ही? नहीं सर, मतलब सर ऐसे फ्रेंड सर्कल में। फ्रेंड सर्कल में करते हैं जी। तो बीबी को कहाँ रखोगे, फ्रेंड सर्कल में? नहीं सर, घर पे। ठीक ना? नहीं। चलो कोई बात नहीं ब्रदर, मैं चाहूंगा भगवान आपकी जल्दी शादी कराए, पर जिग्ना को शादी की जल्दी। और कोई मेरा दोस्त, कोई आपका स्वयंवर हो रहा है देखिए आज कॉमेडी नाइट्स में। किन्होंने करनी शादी? आपने करनी? जाओ पहले नहा के आ जाओ, ऐसे नहीं शादी करनी। चलो चलो, थैंक यू ब्रदर। और मैं बिच्छू, मेरा पोता, हाय, हाउ आर यू? तू कहां से आ रही है? मैं चर्च से आ रही हूँ। आई एम सो पीसफुल टुडे, यू नो। मैंने आज गॉड से गिड़गिड़ा के प्रार्थना की। मैंने गॉड से कहा, गॉड प्लीज मेरी जिंदगी में रोशनी भर दो, और उन्होंने तुरंत मेरे हाथ में मोमबत्तियां गिफ्ट दे दी। ये देख। मेरे को पता था तो कभी खाली हाथ नहीं आएगी, हमेशा ऐसे काम करती है। उस दिन मंदिर गई, पंडित ने ऐसे थाली की आरती वाली, कहता आरती ले लो, पूरी थाली लेके घर पे आ गई। तेरे को दादी कितनी बार कहा है, ये तेरी उम्र नहीं है लूट लूट करने की। उम्र से क्या होता है? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तेरी भी उम्र बाप बनने वाली है। बना तू बाप? बोल। पूछो, हो गई बोलती बंद। आज भी अगर रेशमी सलवार कुर्ता जाली वाला पहन के मार्केट में निकलू ना, तो लोग मुझे तेरी बुआ की छोटी बहन समझते। तो भुआ कौन सी छोटी है, वो भी 60 को पहुंच रही है। अरे तू भी क्या, मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आ रही। दादी? हाँ? नहीं, वो नहीं। तू अठिया गई है? अठिया नहीं, सठिया गई कहते। सठियाते 60 वाले, तू 80 वाली अठिया गई। तू कौन सी खुशखबरी सुनाएगी तुम्हारे को? खुशखबरी ये है कि एक बार फिर लड़के वाले तेरी बुआ को देखने आ रहे हैं। अच्छा? हाँ, लेकिन उन लोगों की शर्त है। क्या शर्त? ये है कि लड़की को गाना आना चाहिए। क्या बात कर रही है, तो मेरे टाइप के लोग निकले? अगर यही शर्त तूने पहले मेरे ससुराल में रखी होती ना, ये छोटे तबले जैसे मुंह वाली बीवी ना मिलती मेरे को। आपको पता भाजी, सब लोगों के खराटे सेम होते हैं, और खराटे भी सीटियों वाली मारती है। पता ही नहीं चलता मेरे को। कैसा है तू? यहाँ तेरी बुआ की बात कर रही हूँ और तू अपना रोना रो रहा है। रोएगी तू भी? भालू को भंगड़ा सिखाया जा सकता है, बुआ को म्यूजिक भूल जा। तो मैं ये समझू, कोशिश करने से पहले तू हार मान रहा है? अरे मेहनत करेगी तो सीख लेगी पिंकी। मेहनत भी सही जगह पे करो ना, तभी रंग लाती है। अब कई लोग इंग्लिश सीखने के चक्कर में इंग्लिश फिल्में देखते हैं, इंग्लिश नहीं आती, बाकी सब कुछ सीख जाते हैं। क्या बोल रहे तो बजाते रहते हो। अरे बोलने से पहले ये तो सोच ले कि तू भूल क्या रहा है। बोलने से पहले तो मैं 10 बार सोच लूं, लेकिन बुआ जिस स्पीड से बुड्ढी हो रही ना, हमारे पास टाइम है कहां? हाय। क्या हुआ, आज फिर कौन सी बात पर बिना बात से बहस कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, दरअसल क्या है ना, तेरी शादी तय करके आ रही हूं मैं। क्या मम्मी जी, आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी भी तय कर दी? पहले मुझे ना लड़के की क्वालिटीज बताओ, फिर मैं यस और नो में डिसाइड करूंगी। तो सुन ले। हाँ। लड़का जिंदा है। ओके डन।
लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या? लड़की सुरीली होनी चाहिए। लो ये गाना गा दे। जमराज नीचे आ गया, कहता मेरे लिए काम करेंगे आप? कहते करना क्या? कहता बस यही गाना गाकर बंदे मारने हैं। मम्मी मम्मी सिर्फ इस बिट्टू शर्मा की वजह से आज तक मेरी शादी नहीं हो रही। ये ऐसा कोच है जो ग्राउंड में उतरने से पहले खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। बिल्कुल सही कह रही है तू। तू भी ना, याद है जब तू इत्तू सादा कि जिंदगी भर इत्तू सही रहेगा तू। मैं तब की बात कर रही हूं जब तू 21 साल का सांड हो गया था, तब भी तू पिंकी की शादी में से ही टांग अड़ाता था। हाँ। तो ठीक है फिर आज खुद ही कर लो रिश्ता। मैंने रहता घर पे, मैं वैसे बाहर जा रहा हूँ। अरे क्या जा रहा है तू? सुन तो सही। क्या? कम से कम कोई ऐसा बंदा तो भेज दे जो इसे गाना सिखा दे। हाँ। इतना तो कर दे इसके लिए। अरे इसको सिखाने में तो मर गए, कौन सिखाएगा? चल ठीक है, भेज देता हूँ किसी को ढूंढ के मैं। गुड, याद से भूलियो नहीं। बेस्ट ऑफ लक। मम्मी जी, मम्मी जी, अच्छा हुआ ये बिट्टू चला गया। सुनिए, वो लड़का मेरे लायक तो है ना? कहीं ज्यादा सीधा हुआ ना तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ओ ना ना, ऐसा नहीं है। क्या है ना, वो बंदा ना पहले पहले थोड़ा सा शर्माता है। अच्छा। लेकिन एक बार जब खुल जाता है ना तो पुलिस के आने के बाद ही मनता है। हाय रे बा। लेकिन सुन। हाँ। पिछली बार की तरह तू इस बार भी ऐसी हरकतें मत करना। हाँ, लड़की वालों ने इनसे पूछा कि लड़की को सिलाई आती है, बेड़ा गर्क कर दिया तूने। क्या बेड़ा गर्क कर दिया? हाय, बटन लगाया तो था। बटन शर्ट पे लगाते, छाती पे नहीं। हाँ सिद्धू जी, लड़के के 3-3 बटन हो गए, बोलो। अरे वो तो बहुत बड़े सिंगर है। हाँ, वो तो बहुत बड़े सिंगर है। मैं वो वाला नहीं हूँ, मेरा खान साहब नाम है। देख, खान मेरा नाम है, साहब मेरी चिड़ है। साहब तो अच्छा होता है, फिर चिड़ किस बात की? देखिए, जब बंदा कोई काम नहीं करता उसको फालतू में लोग बोले और साहब की तरह जा रहे तो बंदे का बड़ा खून खोलता है। एनीवेज, इन बातों को छोड़िए। आप मेरे को एक कोई बिट्टू जी ने कहा है किसी पिंकी को गाना सिखाना है। हाँ, बिट्टू मेरा पोता है। अच्छा, अच्छा। ये पिंकी मेरी बेटी है, बिल्कुल सही जगह आए हो, इसे गाना सीखना है, सिखा दो भाई। अच्छा, इनको तो बहुत जल्दी आ जाएगा, इनका तो मुंह ही भोपू जैसा है। मेरा मतलब है आपका मुंह बड़ा म्यूजिकल है। तो सब छोड़, तू मुझे ये बता तूने गाना कहाँ से सीखा? देखिए, सीखते वो हैं जिनको आता नहीं, हमारे तो पूरे खानदान में लोग गाते हैं। अच्छा, मतलब उनको सबको गाने का शौक है? शौक नहीं है जी, बस मजबूरी है जी। मैं क्या बताऊँ, बैठने को मिलेगा? मैं सीधा प्रोग्राम से आ रहा हूँ तो बैठा भी नहीं। आजा आजा आजा। मारा मजबूरी में गाना पड़ता है जी। घर में 38 लोगों की फैमिली है। अच्छा। हाँ, तो बाथरूम एक ही है। तो जो भी अंदर जाता है उसको गाना गाना पड़ता है। अच्छा। मेरे जो पिताजी थे उनको कब्ज की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो लंबे लंबे अलाप लेते थे। और जो मेरे ताऊ जी थे उनका पेट खराब रहता था, तो वो अलाप लेते नहीं थे। जी जी जी, वो तो एक्चुअली मतलब ये समझिए कि शो करने जाते थे तो सिर्फ कुर्ता पहन के जाते थे, सलवार पहनते नहीं थे। कैसे शो करते थे? जैसे पब्लिक आती है तो पब्लिक के आने से पहले बैठ जाओ, और जब शो खत्म हुआ जिस दरी पे बैठे उसी दरी को लपेट के उठ जाओ, ऐसा करते थे। मम्मी जी, उसी से संगीत सीखा है इसने? नहीं नहीं, उनसे नहीं सीखा, मैंने तो बड़ी अलग अलग हस्तियों से सीखा है। मैं तो एक बार लता जी के पास चला गया सीखने। ओए होए। तो लता जी मतलब बड़े लोग थे उनके पास में, जो किसी ने जाने नहीं दिया, तो मैंने कहा आवाज ही सुनानी है। मैंने दूर से लाभ लिया लता जी का, मतलब उन्होंने इतना सम्मान किया मेरा, उन्होंने अपने बंदे भेजे, कहते बेटे को शाबाशी देके, बड़ा अच्छा गाया। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे हमारे गांव में शाबाशी पीठ पे देते हैं, उन्होंने मुंह पे दी मेरे को। उसके बाद वहां पे मीडिया भी था, तो जब मेरे को शाबाशी मिल रही थी उन्होंने शूट कर लिया, मैं फेमस हो गया। मम्मी जी, मैंने तो कभी इसकी शक्ल नहीं देखी, मैं ना इससे म्यूजिक सीखने का रिस्क नहीं ले सकती। देखिए, म्यूजिक सीखने में कोई रिस्क नहीं है, खाली एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, पीने के बाद नाली में और कवाल की ताली में मुंह नहीं आना चाहिए। तो कोई खतरा नहीं। मम्मी जी मत कर, वक्त नहीं है हमारे पास, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। भाई साहब, खान साहब, मैं क्या कह रही थी, म्यूजिक सिखाना शुरू कर दो। हाँ जी बिल्कुल, बैठिए बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, म्यूजिक में एक बात बड़ी जरूरी है, सबसे पहले मैं जो आपको बता दूँ। हाँ। कि शर्ट का पहला बटन अगर आपने गलत बंद कर दिया तो बाकी के सारे भी गलत ही होंगे। इसका संगीत से क्या संबंध है? इसका कोई संबंध नहीं, बात अच्छी थी, मैंने बता देते हैं। आगे बाकी संगीत बड़ा आसान होता है, सिर्फ 9 सुर है, उनका ध्यान रखना है आपको। 9 सुर? पर हमने तो 7 सुर के बारे में सुना था। देखिए, 7 जो गाता है उसके हाथ में होता है, 2 होते पब्लिक के हाथ में। अगर आपके 7 ठीक लगे तो ठीक, अगर आपके 7 ठीक नहीं लगे तो पब्लिक के 2 बिल्कुल ठीक लगते हैं। आपका चेक करते हैं सुर, आप मेरे साथ साथ गाइए। हाँ जी।
अभी शुरू नहीं, मैं गला साफ कर रहा हूं। अंदाज़े अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। एक मिनट, आप तो खुद ही गाए जा रहे हैं। खुद ही गाना पड़ेगा, आपका मुंह पकड़ के तो कोई नहीं गवाएगा ना। मम्मी मेरे साथ साथ गाइए, आप क्या करनी है। अच्छा ठीक है, हाँ। अंदाज़े अपने, अंदाज़े अपने, ये आपके अपने, मेरे वाले तो है नहीं ये। देखिए, That's wonderful, robot. Thank you. अब कल फिर से एक बार मैं पियानो की प्रैक्टिस करूंगी, लेकिन इस बार कोई जरा अच्छी सी सीडी लेके आना। Yeah, sure, man. Daisy, तुम्हें देखकर मुझे अपने शुरुआती दिन याद आ जाते हैं जब मैं नई नई लंदन में आए थे। मैम, आप भी इतनी सेक्सी हुआ करती थी। नहीं, इससे कहीं ज्यादा। Well, Daisy, जरा बाहर जाके गार्डन को पानी दो। Yeah, of course, Mom, I'll go. But wait, we don't have a garden. तो जाके पड़ोसियों के गार्डन को पानी दो। Go. Okay. मैं भी डेजी के साथ जाके पानी दूं? क्यों, तुम्हारा पानी ज्यादा गीला है? No. मुझे क्यों रखा हुआ है जब काम खुद ही कर रहे सारे। हेलो दिस इज पैम स्पीकिंग फ्रॉम लंदन 7th स्ट्रीट बिग बंगलौर। रंजीत, मैं तेरी समधन डोली बोल रही हूँ। डोली? ओह डोली। डॉली दादी का करंट। इन कंगाल लोगों के पास आईएसटी कॉल करने के पैसे कहां से आ गए? उससे कह दो कि हम लोग घर पे नहीं हैं। लेकिन आप ही बोल दो ना, फोन तो आपके पास है। ओह या या। हेलो डॉली, सॉरी, कभी और फोन कर लेना। हम लोग घर पे नहीं हैं, हम लोग फ्रांस गए हुए हैं। पर मैंने तो लैंडलाइन पे फोन किया है। हाँ, लेकिन हम अपनी लैंडलाइन को भी अपने साथ लेकर गए हैं। हमारे फोन का तार काफी लंबा है। अच्छा। लेकिन मेरा तार तेरे से भी ज्यादा लंबा है। मैं भी फ्रांस से बोल रही हूँ। तेरे पिछवाड़े पिछवाड़े पलसी या क्यों पलसी मारने से सचमुच में इधर आ गई है डॉली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैम मजाक कर रहे थे। हाँ पता है, करना पड़ता है यहाँ मजाक, वरना सिद्धू जी यहाँ से बाहर निकाल देते। सिद्धू जी भी लंदन आए हैं? और नहीं तो क्या, आधे रास्ते तक तो जहाज इन्होंने उड़ाया। हाँ, हमारा पायलट मोया तो महासागर पे ही सो गया था। बाकी का रोहन सागर, मोती सागर, जितने सारे सागर है इन्होंने ही पार करवाए। वैसे मुझे एक बात बताओ जॉली, यहाँ पे इस तरह अकेले कैसे आना हुआ? अकेले? अकेले तो मैं बाथरूम भी नहीं जाती। What do you mean? पब्लिक टॉयलेट है ना, सब लोगों की कंपनी मिलती रहती है वहाँ पर। वैसे यहाँ भी मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ सब लोग आए हैं। आ जाओ। नानी। लंदन आयो के बठिंडे आयो? नानी, ये घर तो
हमारे घर जैसा लगता है, मम्मी वाले घर जैसा। क्यों नहीं लगेगा बिट्टू, हमारे घर का नक्शा चुरा की तो बुढ़िया नहीं है घर बनाए। है ना सिद्धू जी? हाँ जी। आपको पता है इस घर में और हमारे घर में सिर्फ एक ही फर्क है। क्या? इसके घर की सीढ़ियां ऊपर से नीचे आती है, हमारे घर की सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती है। प्लीज बैठ जाइए ओल्ड लेडी। मम्मी जी देखिए आपकी कितनी रिस्पेक्ट हो रही है। नहीं नहीं मैंने उनको नहीं आपको कहा है ओल्ड लेडी। बेटा खूब खसमानु खाना, किसे कहा ओल्ड लेडी? माय नेम इज पिंकी। इंग्लिश बोलने से कोई यज्ञ नहीं हो जाता है। पिंकी पिंकी, यू आर ऑलवेज माय फेवरेट। लेकिन तुम इनके परिवार के साथ यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर छुट्टी मनाने आना चाहिए था। तुम्हारी सेहत से पता चल रहा है, तुम्हारे तो 40-45 बच्चे होंगे। सब आप छोड़िए नानी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो कोई गोरा सा हैंडसम सा मक्खन टाइप लड़का देख के उससे मेरी शादी करा दीजिए। हाँ नानी जल्दी करा दो, पता है इसकी शादी होगी ना, हमारा बड़ा बड़ा होगा, कमरा खाली होगा घर का, बड़ा तंग कर दिए। दिमाग खराब है, सोफा बाज कर रहे। 20 साल बैंड में भोंगू बजाते हुए इधर को इतना नहीं पता हारमोनियम है वो। इट्स अ पियानो। पियानो वही हारमोनियम है, परवरिश अच्छी हुई उसकी। और तुम लोग यहाँ खड़े रहोगे, अंदर जाके चेक तो करो नानी के घर में क्या क्या चीजें उठाने वाली। चलो चलो। हाँ चलो सामान ले ले। मैम ये What are you looking at my faces? चल के उनको रोको, कहीं वो हमारे सारे एंटीक अपनी जेब में डाल के भाग ना जाए। Watch me! भाई हम लोग लंदन आ चुके हैं। It's a pleasure meeting with you in London, man. मुझे एक चीज समझ में नहीं आती भाजी, यहाँ के लोग अमीर हैं इसलिए लाल हैं कि लाल है इसलिए अमीर हैं? मेरे पल्ले नहीं पड़ रही ये बातें अंग्रेजों की। अच्छा हमारे इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो विदेश जाना हो तो पासपोर्ट बनाते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो पासपोर्ट बना लेते हैं फिर मौका ढूंढते रहते हैं विदेश जाएं कब। और कईयों को ये लगता है पासपोर्ट बन गया अब हमें किसी का बाप नहीं विदेश जाने से रोक सकता। हमारे गांव में एक अम्मा थी, वो यूके का वीजा लेने चलेगी। उन्होंने कहा माता जी इधर देखिए। मेरे इस उम्र में कहाँ कहाँ दिखवाओ, क्या देखना है? माता जी इधर देखिए, आपकी आई स्कैन करनी है आँख। बेटा आँख में तो मोतियाबिंद था, वो तो निकाल लिया, कुछ चेक करना तो किडनी कर लो, उसमें पथरी बाकी है अभी। विदेश में पहुंच के जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है यहाँ की सफाई। हाँ। अच्छा यहाँ के लोगों को ना जुकाम भी होता है ना, तो छींकते भी इनकी छींक भी पोर्टेबल होती है। किसी ऊपर निकालते छोटी सी छींक अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, फिर डस्टबिन देखते हैं उधर जाके फेंकते हैं। हमारे यहाँ टिश्यू पेपर तो भूल ही जाओ आप, चलती ट्रेन में। और इतना बड़ा फुहारा छोड़ते जो पीछे पैसेंजर आ रहे हैं बेचारे, उनको लगता है आगे पानीपत में बारिश हो रही है। विदेशों में लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी, किसी को दूसरे की लाइफ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे यहाँ आप ट्रेन देखते हैं, ट्रेन चलती है तो हाँ दो औरतें सामने बैठ गई। पहली कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जलंधर से। अच्छा लुधियाना में तो हमारी बुआ रहती है। अच्छा ये लीजिए फिर आलू वाले पराठे खाइए, पराठे दे रही है, आप भी हमारी टिंडे वाली सब्जी खाओ। इतना मेल मिलाप पड़ जाता कि अगर सफर दिल्ली से बॉम्बे तक का हो, बड़ौदा तक ये अपने बच्चों को रिश्ते तय करके उतरते नीचे। इतना अपनापन है भारत में कि अगर आप अपना सामान भूल भी गए दूसरा उठा के ले जाता है। बड़े प्यारे लोग। दुनिया के कई देश तो ऐसे हैं जिनमें पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप उनके रेलवे स्टेशन देख लो आपको लोग नजर नहीं आएंगे, सिर्फ प्लेटफॉर्म नजर आएगा। और हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है प्लेटफॉर्म ढका होता है लोगों से, कवर कर लेते हैं लोग, लोग ही लोग नजर आते हैं, प्लेटफॉर्म नजर ही नहीं आता। कई बार तो ट्रेन भी नजर नहीं आती, हर जगह लोग चढ़े हुए हैं, दरवाजे पे खिड़की पे छत पे, इंजन को रास्ता नजर नहीं आता। फिर ऐसी गाड़ी ना तो लाल बत्ती से चलती ना हरी बत्ती से, अंदाजे से चलती है। इंजन की आंखों के सामने मोटा सा आदमी यूं खड़ा होता पकड़ के, इंजन बेचारा वो अपने आइडिया से देख के चल रहा होता है। आप विदेशों की ट्रेन देख लो, आप टिप टॉप हैट पहने हुए अपनी अपनी बुक पढ़ रहे हैं,
और कभी कभी उनको देख के समझ लगता है शायद एक ही लाइन को बार बार पढ़ रहे हैं। आंख भी ज्यादा नहीं हिलती कोई किसी को, सब मिस्टीरियस होते हैं। हाँ। उनको देख के लगता है कि सबके दिल में कोई ना कोई राज छुपा है। हाँ। बता नहीं रहे किसी को। हाँ। हैट पहने इतना ही होता है हमारे। हाँ। यहाँ ट्रेन में बैठ जाते हैं मुंह देख रहे होते हैं पहले कि इनमें से कौन है जो सबसे पहले न्यूज़पेपर खरीदेगा। ताड़ रहे ताड़ रहे। एक आदमी ने न्यूज़पेपर खरीद लिया, धीरे धीरे करके उसके पास घुस जाते हैं। कई बार तो बगल वाला आदमी पढ़ रहा है उसका पन्ना पलट देते हैं। कश्मीर में कितनी सीटें हैं। आदमी बेचारा ना दूसरा जिसने पेपर लिया होता है वो दूसरों की पसीने की बदबू से बचने के लिए सबको एक एक पेपर दे देता है। लास्ट में हालत ये हो जाती है जिसने पेपर लिया होता है उसके पास रसम और उठावले वाली किराया वाला पेपर रह जाता है। रसम किराया वाला और बिपाशा और मल्लिका की फोटो कोई और देख के एंजॉय कर रहा होता है। अरे कुछ लोग विदेश जाके आते हैं उनको शौक होता है कि हम लोग अपने दोस्तों को बताएं कि हम स्विट्जरलैंड जाके आए या कहीं जाके आए। यू नो आई बीन टू स्विट्जरलैंड, ग्रीनरी मैन सुपर्ब। और जिसको बता रहा उसका कभी जिंदगी में वीजा नहीं लगा भोपाल का भी। चिड़चिड़ा उसको कोई लेना देना नहीं। कहाँ जाके आए? स्विट्जरलैंड मैन स्कूल ग्रीनरी सुपर्ब। केरला जाके दे केरला। ग्रीनरी का बाप बाप पेड़ पेड़ लगे हुए स्विट्जरलैंड भूल जाएगा। आप गए हैं कभी केरला? अब बाप दादा बताते जाते रहते हो। फॉरेन में पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल पब्लिक ही रखती है। हमारे यहाँ पे अगर पुलिस वाला ना हो प्रेमी जोड़े अपना नाम लिख देते हैं। अगर कहीं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना हुआ ना नीचे लिख दिया सुनील व शीला। अच्छा अंग्रेज लोग आते हैं उनको बेचारों को क्या पता, उनको लगता है हुमायूं का मकबरा नहीं है ये हुमायूं ने सुनील ने और सुशीला ने मिलकर बनाया है। ये एक रिक्वेस्ट है कि अपनी हेरिटेज जो है उसका स्वरूप खराब नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं बाजी कि हम लोग विदेशों में जाके हम लोग उनकी सफाई की तारीफ करते हैं। वो सफाई किसने की? वहां के लोगों ने की। वहां पे प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि सफाई अभियान चलाइए सफाई रखिए, लोग खुद ब खुद ध्यान रखते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम लोग विदेशों में जाके उनसे कहेंगे कि आइए भारत आगे देखिए, गर्व से कहेंगे। सो सफाई अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले आप। What a messy family this is. Yeah. साथ में ये डॉली दादी को लाने की क्या जरूरत थी बिट्टू? I don't like this कस्मानु खा रहे। दादी मुंह से थोड़ी बदतमीज है, दिल की अच्छी है। लेकिन हमें तो मुंह से डील करना है ना, दिल से नहीं। वी आर नॉट कार्डियोलॉजिस्ट। शट अप यू ब्लोक। अब जाके जरा बिट्टू के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अब बिट्टू बेटा खाने के लिए क्या लोगे बताओ? नानी सारी उम्र इंडियन खाना खाया, कुछ लंदन का खिलाओ। लंदन का मैं बर्मिंघम उबाल के ला दूं आपको। नानी नाना तुम्हारी सारी बातें मारता है लेकिन बदतमीज थोड़ा ज्यादा है। नाना ना, नाना 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 दिस फूलिश लुकिंग रुबिश मैन इज नॉट योर नाना, ही इज अ बटलर, ही इज नॉकर। ओके गेट मी अ फलूदा विद सोन पापड़ी, गेट आउट। यस सर वैसे बिट्टू बेटा एक बात बताओ, यहां पर आना कैसे हुआ? ऐसे क्या है परमजीत, तुझे याद है तूने अपनी जमीन की पावर इलेक्ट्रॉनिक मेरे नाम की थी? Yeah? बस तो हम तुझे ये बताने आए कि तेरी जमीन अच्छे दाम में बिक गई। Oh, splendid! ये ले वो जमीन के 1200 रुपए। 1200 रुपए बस? बाकी टिकटों में लग गए ना हमारे। हाँ। वापसी की टिकटें तो आप हमारी कराई देंगे, हम लोग ज्यादा देर रुकने वाले नहीं है 3 महीने में। तीन महीने रुकोगे? क्या करे, वीजा ही 3 महीने का मिला, मांगा तो हमने 80 साल का था। वीजा मांगा था कि लीज मांगी थी? 80 साल का कोई वीजा होता है? क्यों, अंग्रेज हमारे मुल्क में 250 साल रह के गए, हम 80 साल का वीजा नहीं मांग सकते? ठीक है तुम लोग थोड़ा अंदर जाके मुंह हाथ धो लो, मैं टैक्सी में तुम लोगों का सामान लगवाती हूँ। टैक्सी क्यों?
नहीं, होटल जाने के लिए टैक्सी तो चाहिए होगी ना? नो नो नो, होटल जाने के लिए टैक्सी में खर्चा क्यों कर रहे हो? हम आपके घर में रहेंगे ना होटल की तरह। हाँ बिट्टू, मुझे पता है इनका घर जो है ना होटल से कम नहीं है। वो अंदर जाके लेफ्ट वाला जो कमरा है ना, इतना बड़ा है कि उसके अंदर टॉयलेट भी है।